नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। ज्ञानव्यापी केस की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को, पक्षकार बनाने के लिए जज ने सभी एप्लीकेशन को किया निरस्त। सहारनपुर में एक्सीडेंट में दंपत्ति की मौत, 3 बच्चे घायल। क्रेटा कार से सरधना से देहरादून जा रहे थे, ट्रक ने टक्कर मार दी। लल्लू सिंह बोले, 23 अक्टूबर को अयोध्या में 17 लाख दीप। फैजाबाद में कहा, मैं सबरी की तरह अपने राम का इंतजार कर रहा हूं। ताजमहल के 500 मीटर क्षेत्र के व्यापारियों को मिलेगी राहत, जिलाधिकारी ने बैठक के बाद दिए संकेत, आज जारी हो सकते हैं आदेश। वाराणसी में फीस वृद्धि के विरोध में उतरा बीएचयू का बहुजन समाज। सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर कहा, गरीब दलित और आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होंगे। लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही छात्रा से गैंगरेप, ऑटो ड्राइवर ने किया किडनैप, चौकी इंचार्ज सस्पेंड, 3 इंस्पेक्टर से जवाब तलब। नेताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित, डिंपल के साथ अखिलेश ने किया पूजन, सैफई से चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे शिवपाल भी रहे साथ। अंबेडकर नगर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कहा पेंशनर के साथ अन्याय कर रही सरकार, कर्मचारियों की कटौती बंद करने की मांग। सहारनपुर में एसडी कॉलेज की प्रबंध समिति पर चौहान गुट का कब्जा, प्रबंध समिति कार्यकारिणी के अध्यक्ष रजनीश चौहान बने और कोषाध्यक्ष सतीश सिंह निर्वाचित हुए। उत्तराखंड में जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर कैंपेन, अलोक भी पहुंचे जसपुर कुंडा समेत कई जगह, कैंडल मार्च निकालकर सीबीआई जांच की हुई मांग, भुल्लर के घर पहुंचे मंत्री। पूर्वी जनपद बिजनौर में थाना नहटौर क्षेत्र अंतर्गत किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक सवार से लिफ्ट लेकर मोबाइल फोन व बाइक छीनने वाले घटना स्थल का अपर पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। मथुरा पुलिस ने आज गैस एजेंसी के कर्मचारियों से हुई 3 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया, लूट का नाटक करने वाले कर्मचारी को ही 3 लाख रुपए समेत नकद बरामद किया, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 3 अलग अलग दावों में 7 नवंबर लगी सुनवाई की तारीख, जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर नहीं हुआ आज। बिजनौर में कलेक्ट्रेट में बीसी सखियों ने किया प्रदर्शन, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बिजनौर में युवक ने खाया जहर, राहगीरों को पड़ा मिला बेहोश, गंभीर हालत में हायर सेंट्रल रेफर, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में करंट से झुलसे 3 युवक की भी मौत, टेंट लगाने के दौरान लगा था करंट, 2 की मौके पर ही हो गई थी मौत। वृंदावन में रावण का हुआ वध, 40 फीट ऊंचे पुतले का दहन हुआ, दशहरे के बाद शुरू होती है यहां रामलीला।
गोवर्धन में चलाया जा रहा गो आइसोलेशन कैंप, लंपी वायरस से ग्रसित गोवंशों का किया जा रहा इलाज, सामाजिक संस्थाएं दे रही दवाएं। उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत दो घायल, टक्कर मारने के बाद गड्ढे में पलटी कार, ड्राइविंग सीख रहा था युवक। यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले की रफ्तार सुस्त, वेब डिजाइनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में स्टूडेंट नहीं ले रहे एडमिशन, 70% सीट खाली।